7.1.4 मार्टिन लूथर और धर्म सुधार मार्टिन लूथर जर्मनी के एक पादरी थे जो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बाह्य कर्मकांडों के द्वारा मोक्ष पाना असंभव है इसे दैवी कृपा और अंतःकरण की निजी आस्था या विश्वास से ही प्राप्त किया जा सकता है उन्होंने सन 1517 में पोप द्वारा जारी माफीनामा के विरुद्ध पंचानवे विचार बिंदु जारी किए और कहा कि ना ही पाप से इस तरह मुक्ति पाई जा सकती है और ना ही ऐसे बाह्य कर्मों से मोक्ष पाया जा सकता है देखते देखते लूथर का दस्तावेज छपाई की मदद से दूर दूर तक फैल गया जनसाधारण से लेकर शासकों ने भी उनका समर्थन किया पोप ने सन 1520 में लूथर को धर्म से बाहर कर दिया और उन्हें अधार्मिक करार दिया उसी वर्ष लूथर ने तीन पुस्तकें प्रकाशित करके अपने विचारों को जन सामान्य के बीच फैलाया बाद में इस विचार ने प्रोटेस्टेंट संप्रदाय का रूप लिया लूथर के पक्ष में व्यापक जन समर्थन को देखते हुए राजाओं द्वारा उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जा सका जर्मनी के कई छोटी रियासतों ने अपने कैथोलिक साम्राट पर दबाव डाला और सन 1555 में प्रजा को अपना धर्म प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक चुनने का अधिकार दिया प्रोटेस्टेंट संप्रदाय दरअसल एक संप्रदाय नहीं था उसमें लूथर कैलविन ज्विंगलिंग आदि के विचारों से प्रेरित अनेक धाराएं थीं अब प्रोटेस्टेंट संप्रदाय की मुख्य विशेषताओं पर विचार करें हालांकि प्रोटेस्टेंट वाद में अनेक धाराएं सम्मिलित थीं फिर भी उनमें कुछ समानताएं हम पहचान सकते हैं पहला तो यह कि वे मानते हैं कि मोक्ष किसी बाह्य कर्मकांड से नहीं मगर ईश्वरीय कृपा और आंतरिक विश्वास से प्राप्त हो सकता है इसका यह भी मतलब था कि मनुष्य को किसी पादरी या उसके द्वारा किए गए कर्मकांड की जरूरत नहीं है वे यहाँ तक मानते थे कि हर ईसाई खुद एक पादरी बनकर ईश्वर से संपर्क कर सकता है प्रोटेस्टेंट संप्रदायों ने यह भी माना कि धर्म की व्याख्या के लिए पादरी वर्ग पर निर्भर न होकर हर ईसाई को खुद बाइबल का अध्ययन करके अपनी निजी व्याख्या करनी चाहिए इसे संभव बनाने के लिए उन्होंने बाइबल का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद किया और छापा खानों की मदद से जन जन तक पहुंचाया। सन 1522 में लूथर ने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया इन सब बातों का प्रभाव कैथोलिक चर्च पर भी पड़ा चर्च में आंतरिक सुधार का एक अभियान चला जिसे प्रति धर्म सुधार कहते हैं असीसी के सेंट फ्रांसिस चर्च में गरीबी की वकालत एक तरफ चर्च अथाह संपत्ति, शान और शौकत का प्रतीक बन रहा था तो दूसरी तरफ ऐसे कई धार्मिक व्यक्ति हुए जिन्होंने ईसा मसीह के मूल संदेशों को जीवन में उतारने का प्रयास किया सेंट फ्रांसिस मृत्यु सन बारह ऐसे ही एक संत थे वे इटली के असीसी शहर के एक धनी व्यापारी परिवार में पैदा हुए थे मगर युवावस्था में उन्हें एहसास हुआ कि गरीब बनकर ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है वे अपना सब कुछ गरीबों को बांटने लगे जिस पर क्रोध होकर उनके पिता ने उन्हें घर से बाहर कर दिया तब से उन्होंने शहर के सबसे गरीब लोगों के बीच रहकर खुद मांगकर खाने वाले और मजदूरी करने वाले का जीवन जिया यही नहीं उन्होंने यह भी माना कि प्रकृति के सारे जीवों जैसे पक्षियों व जानवरों से प्रेम करना चाहिए यह माना जाता है कि वे पक्षियों व जानवरों के साथ बात कर सकते थे उन्होंने यह भी प्रयास किया कि इस्लामी सुल्तान और ईसाइयों के बीच सुलह हो पोप की अनुमति के साथ उन्होंने ऐसी महिलाओं व पुरुषों का समूह स्थापित किया जो गरीबी में रहने और गरीबों की सेवा में विश्वास रखता था कुल मिलाकर धर्म सुधार आंदोलन का परिणाम केवल कैथोलिक धर्म की कुछ कुरीतियों का खात्मा करना ही नहीं था उसका सबसे युगांतरकारी परिणाम यह हुआ कि यूरोप की धार्मिक एक रूपता और चर्च का धर्म पर एकाधिकार समाप्त हुआ शुरू में इंग्लैंड जैसे देशों में यह प्रयास जरूर किया गया कि देश में एक राष्ट्रीय चर्च हो मगर समय के साथ धार्मिक संप्रदायों की बहुलता पर अंकुश लगाना असंभव हो गया कालांतर में धर्म और राज्य के आपसी जुड़ाव को समाप्त किया गया यह व्यक्तियों के अपने धर्म चुनने की स्वतंत्रता और शासन में पंथ निरपेक्षता लाने में सहायक हुआ